अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंसियरेस्ट ऑफ द अपोलॉजीज इन ड्यूरिंग द फाइनल एडिटिंग ऑफ द वीडियोस, अ चंक ऑफ अ वीडियो गॉट मिसप्लेस्ड, जिसकी वजह से जो हमारे पास पर गेयर की जो वीडियो है फ्रॉम ड्यूरेशन 16 मिनट्स 20 सेकंड से लेके 20 मिनट और 10 सेकंड तक, एक और वीडियो जो कि हमारे पास इवेंचुअली पार्ट टू के अंदर वो पार्ट आएगा, वो बेसिकली वहाँ उसकी जगह आ गया। सो जो पार्ट मिस हुआ है उसको मैं यहाँ वीडियो में कवर करूँगा और कोशिश करूँगा इसको मैं बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल रखूँ। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सर्विस ड्यूरेबिलिटी बेसिकली कवर करती है कि हमारे पास जो स्ट्रेसेस अकर हो रही होंगी सर्फेस के ऊपर, सरफेस कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस जो कि आपके ऊपर सरफेस के ऊपर वहाँ हाईलाइट भी यहाँ किया गया, ठीक है। दिस वन बेसिकली इनको हमने कवर करना है। ये कब अकर होती हैं? सरफेस फेलियर अकर्स व्हेन द सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस इक्वल और एक्सीड द सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। सो बेसिकली जो सरफेस ड्यूरेबिलिटी है वो डिफरेंट किस्म के जो सरफेस फेलियर्स होते हैं उनको कवर करता है। मोस्ट कॉमन जो है उसको हम कह लें कि जेनेरिकली हम सरफेस फेलियर को हम वेयर कह देते हैं। सबसे जो कॉमन है वो हमारे पास पिटिंग का केस है, जिसको हमने लुब्रिकेशन में भी डिस्कस किया था, गेज में भी डिस्कस किया था कि गड़े पड़ जाते हैं, जिसको हम उर्फ में कहते हैं, ठीक है। जो पिटिंग फेलियर है डैट इज़ अ सरफेस फटीग फेलियर ड्यू टू द रिपीटिशन ऑफ हाई कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस। उसके अलावा एक और जो सरफेस फेलियर है उनमें स्कोरिंग शामिल है। स्कोरिंग इज़ द फेलियर डैट इज़ अ लुब्रिकेशन फेलियर, कि लुब्रिकेशन जो है इनफ जो है उसमें आप कह लें कि इन बिटवीन द कॉन्टैक्ट जब डेवलप हो रहा है गेयर्स के टीथ के दरमियान से वो एक अपनी लेयर नहीं मेंटेन कर पा रहा, या फिर टेम्परेचर इतना है कि वो उस पर वर्किंग नहीं करता, ओके। उसके अलावा जो है एब्रेशन है, एब्रेशन इज़ द वेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरन मटीरियल, लेट से कोई आपके पास कोई भी चंक कोई माइनर सा मौजूद है या इम्प्योरिटी लेट से कह लें मौजूद है बिटवीन द गियर्स, हो जब वो इन कॉन्टैक्ट आ रहा है उसकी वजह से भी फेलियर अकर हो सकता है। जो हमारे पास हर्ट्ज़ियन स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट है दैट बेसिकली रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन फ्रैक्चर मैकेनिक्स। फ्रैक्चर मैकेनिक्स जो है हमारे करिकुलम का उस तरह पार्ट नहीं है, सो इस वजह से हमें इसको बिल्कुल डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमने ये देखना है कि आपके पास ये डेवलप कैसे होती हैं, कह लें कि ये इक्वेशन डेवलप कहाँ से हुई है, सो इक्वेशन बेसिकली डेवलप ऐसे होती है कि हम कॉन्टैक्ट स्ट्रेस हम कह लें कि हम सबसे पहले जो है हम प्रेशर लेते हैं कि आपके पास जो लार्जेस्ट सरफेस प्रेशर प्रेशर क्या है, ये बुक में कंप्लीट डेरिवेशन मौजूद है, नॉट कंप्लीट बट सिंपल उसने रिलेशन दिया हुआ है प्रेशर का। सो वो बेसिकली जो मैक्सिमम प्रेशर होता है और आपके पास जो फोर्स जो है डैट विच इज़ प्रेसिंग अगेंस्ट द टू सिलेंडर्स टुगेदर, ठीक है, फिर दो गियर सिस्टम को जो बेसिकली जो इन बिटवीन जो फोर्स है उसको हमने कन्वर्ट करते हैं जो टेंजेंशियल फोर्स जो WT से हमने डिनोट किया हुआ है इस कॉम्पोनेंट के साथ, और इवेंचुअली हम एक प्रेशर को फिर कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेस की फॉर्म में, और हमारे पास जो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन जो आपको यहाँ नज़र आ रही है ये हमारे पास डेवलप होती है। इसके अंदर WT जो है डैट इज़ द टेंजेंशियल लोड, F जो है वो फेस विड्थ है, E1 E2 जो हैं पिनियन और गियर के रिस्पेक्टिवली यंग मॉडुलस हैं और उसकी पॉइजन रेशोज़ हैं। उसके बाद फिर हम एक और कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं विच इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हम कहते हैं कि जी R1 और R2 जो हैं दीज आर द रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ द टूथ प्रोफाइल एट द पिच पॉइंट, यानी कि जहाँ बेसिकली वो कॉन्टैक्ट वो एक पिच पॉइंट या पिच लाइन हमारे पास फॉर्म हो रही थी, उस पिच पॉइंट के ऊपर जो तमाम दोनों टूथ की प्रोफाइल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बांध रहा होगा बेसिकली उनके रेडियाई हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो हमारे कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे थे जिनमें यंग मॉडुलस था और आपके पास पॉइजन रेशियो थी, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक और यानी कि डिनोट कर देते हैं तमाम इसकी वैल्यू को एक और कह लें कि वेरिएबल कॉन्स्टेंट के साथ कह देते हैं जिसको हम इलास्टिक कोफिशेंट कह रहे हैं, ताकि ये तमाम कॉन्स्टेंट्स ही हमारे पास एज इट इज़ वैल्यू आ जाए। जब हम CP इंट्रोड्यूस करा देंगे उसके बाद हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये बिल्कुल स्मॉल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है। सो ये बेसिकली फाइनल रिलेशन है जो कि हमारे पास यूज़ होगा इन ऑर्डर टू डिटरमिन द सरफेस कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस, और सरफेस कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस को फिर हम रिलेट करेंगे जो अगेंस्ट हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, उसके साथ हम इसको रिलेट करेंगे फैक्टर सेफ्टी हम इवेंचुअली फाइंड आउट करेंगे। न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं 14.2, मैंने जैसे कि वीडियो में भी आपको कहा कि आप लोग एक बार खुद भी इसे प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये एग्जांपल जो है 14.3 है, यहाँ हमें ये गिवन है कि जी एग्जाम्पल 14.1 और 14.2 का ही डेटा हमने लेके चलना है, बट हमारे पास जो गियर हैं उसके नंबर ऑफ टीथ हमें बता दें कि 50 गियर टीथ हैं
और ESTM नंबर 50 कास्ट आयरन हमने यूज़ करना है गेयर के लिए, और टेंजेंशियल लोड भी हमें गिवन है, फैक्टर सेफ्टी हमने फाइंड आउट करना है, और हमें यह बता दिया गया कि जी सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है डैट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम 0.32 टाइम्स द ब्रिनल हार्डनेस, और यूनिट्स इसके किलो पास KPSI होंगे या किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होंगे फॉर 10^8 साइकिल्स। सो सबसे पहले अगर हमने डेटा फाइंड आउट करना है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, सो अगर इस रिलेशन को यूज़ करना, सबसे पहले जो कंपोनेंट है डैट इज़ द इलास्टिक कोफिशिएंट या CP, CP के लिए आपको क्या 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 पैरामीटर्स जो हैं मालूम होना ज़रूरी हैं, वो आपके पास पॉइजन रेशियो हैं और आपके पास पिनियन का और गियर का यंग मॉडुलस है। सो अगर हम इस टेबल को देखते हैं, सो हमारे पास यहाँ गियर के लिए तो हमें ये डेटा गिवन था कि जी वो कास्ट आयरन था 14.1 एग्जांपल में, कार्बन स्टील जो है मटेरियल गिवन है फॉर द पिनियन। सो उनकी दोनों के हमने यंग मॉडुलस हमने यहाँ से ले लिए, पॉइजन रेशियो यहाँ से ले ली, और आपके पास जो ये इक्वेशन है यहाँ से हमने इसको ये फाइंड आउट कर लिया। ये फाइंड आउट कर लेते हैं, अब आपके पास जो एग्जांपल 14.1 थी उसके अंदर आपको पिच डायमीटर पिनियन का गिवन था कि वो 2 इंच है, और हमें डायमीटरल पिच गिवन थी कि वो 8 है। सो 50 नंबर ऑफ टीथ हैं, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपके पास पिच डायमीटर आ जाएगा फॉर द गियर, जो कि हमारे पास यहाँ से 6.25 आता है, जिसकी मदद से आप यहाँ से R1 और R2 जो कि हमारे पास रेडियाई ऑफ कर्वेचर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अब हमारे पास CP भी नोन है, R1 और R2 भी नोन है, WT हमें इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गिवन है, फाइ जो हम जो है 14.1 में हमें गिवन था हम वहीं से लेंगे, F जो फेस वेट था वो भी हम वहाँ से लेंगे, और जो KV था हमारे पास वो भी फैक्टर हम जो एग्जांपल 14.1 में डिस्कस किया हुआ था वही हम लेंगे। यहाँ इसे आगे चलते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि आपके पास जो फेस वेट था वो 1.5 हमने सिंपली एग्जांपल 14.1 से ली है, KV जो है 1.52 डैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम एग्जांपल 14.1, और फाइ जो है हम 20 डिग्री ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमने यहाँ से हर्ट्ज़ियन स्ट्रेसेस हमने कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस फाइंड आउट की। जब ये कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर लेते हैं, और आपको ये बताया गया था कि जी जो हमारे पास सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है डाटा 0.32 टाइम्स HP और ASTM 50 आपको गिवन है। सो ASTM 50 के अगेंस्ट हम देखते हैं, सो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास ब्रिनल हार्डनेस गिवन है 262। अच्छा, ASTM 50 और ये ASTM नंबर जो मौजूद हैं ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं, एक तरह से आपको रफ आइडिया देते हैं कि जो मटेरियल यूज़ हो रहा है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी। लेट्स से ASTM 50 जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है 52.5 के लगभग। इसी तरह आप तमाम ASTM नंबर्स देखें और उसके अगेंस्ट उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें, सो आप देखेंगे कि वो नंबर जो है बेसिकली उसके बिल्कुल क्लोज लाइक आ रहा है। सो बेसिकली ASTM नंबर इस तरह से डिजिग्नेट होते हैं। सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, हमें यहाँ से 262 गिवन था, इसको हम 0.32 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास ये 83.8 KPSI हमारे पास आ जाएगा। अब हमने सिंपली क्या करना है कि एक हमारे पास जो है ये डाटा गिवन है, और एक हमारे पास जो है ये वैल्यू कंप्रेसिव स्ट्रेस की ये गिवन है, इन दोनों को जो है हम यहाँ से कह लें कि जब फाइंड आउट करेंगे इस रिलेशन को यूज़ करते हुए, सो वो हमारे पास जो है 1.34 आएगा। सो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस के लिहाज से ये डिज़ाइन हमारे पास फिल वक्त सेफ है। सो डैट वॉज इट, ये पार्ट जो है हमारा मिसिंग हुआ था, इसके आगे जो है हमने कंप्लीट उस वीडियो में कवर किया हुआ है। सो आप इस पार्ट से जो नेक्स्ट पार्ट है आप उस वीडियो से कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।